नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। एक फिल्म में कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं होते हैं, इसलिए तो उन्होंने माँ बनाई है। और कहीं ना कहीं ये एकदम सही कहा गया है। एक बच्चे को इस पूरी दुनिया में निस्वार्थ सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है। माँ एक दोस्त भी होती है और एक गुरु भी। माँ और बच्चों का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खास है। तभी तो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल करने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी अपनी माँ के बेहद करीब थे। भले ही अब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच ना रहे हों, लेकिन माँ के लिए लिखी उनकी एक कविता सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की माँ उषा सिंह का निधन साल 2002 में ही हो गया था। उस टाइम वो सिर्फ 16 साल के थे। सुशांत समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी माँ को याद करते हुए इमोशनल कविताएं शेयर किया करते थे। सुशांत ने साल 2018 में माँ को याद करते हुए ट्विटर पर इमोशनल कविता शेयर की थी। ये कविता सुशांत ने खुद लिखी थी। इस कविता को पढ़कर आपकी आंखें जरूर नम हो जाएंगी। सुशांत के अपने ट्विटर अकाउंट से माँ की तस्वीर को शेयर करते हुए कविता में लिखा था, जब तक तुम थी मैं था, अब बस आपकी यादों में मैं जिंदा हूँ, किसी परछाई की तरह, बस धुंधली सी। यहाँ समय रुक सा गया है, ये खूबसूरत है, ये सदा के लिए है। हम दोनों ही एक वादा नहीं निभा पाए। माँ, क्या तुम्हें याद है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहूंगा। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों ही गलत थे। माँ के लिखे सुशांत सिंह राजपूत की यह कविता सोशल मीडिया पर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। इस कविता से साफ पता चल रहा है कि सुशांत अपनी माँ को कितना मिस किया करते थे। वहीं सुशांत की आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी अपनी माँ को समर्पित थी। उन्होंने माँ को याद करते हुए लिखा था, आंसुओं से धुंधलाता अतीत धुंधलाता हुआ, मुस्कुराते हुए और एक क्षण भंगुर जीवन को संजोने वाले सपनों में दोनों के बीच बातचीत। माँ बता दें कि सुशांत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया जा रहा था कि वो 6 महीनों से डिप्रेशन का इलाज करा रहे थे। वहीं सुशांत के चले जाने से उनका पूरा परिवार सदमे में है।